जनपद संभल से चंदोसी में न्यायालय परिसर में माननीय संजय कुमार पचौरी ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। माननीय न्यायमूर्ति ने नव निर्मित दो न्यायालय ऑफिसों का रिबन काट कर न्यायालय भवनों का उद्घाटन किया तथा न्यायालय भवनों का निरीक्षण किया। लोक अदालत में कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उसके बाद बार रूम में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति का फूल मालाओं से स्वागत किया। बार अध्यक्ष राजेश यादव ने शॉल उड़ाकर माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी एवं जिला जज भानुदेव शर्मा का स्वागत किया। अध्यक्ष व सचिव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट की गई। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ताओं की पत्रावली का गंभीरता से आवाहन करना चाहिए तथा बाद में मुख्य बिंदुओं पर बहस करनी चाहिए, तभी अपने बाद अधिकारियों को अधिक लाभ दिला पाएंगे तथा अधिवक्ताओं की सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। बार अध्यक्ष राजेश यादव एडवोकेट ने अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हेतु ज्ञापन दिया तथा शीघ्र ही नवनिर्मित न्यायालयों में अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई। कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के मध्य जो होते हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होते हैं, विशेषाधिकार जिनको प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं होता, उनको कोई सकता जैसे होता। लेकिन क्यों कम्युनिकेशन हुए माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति की महोदय के मध्य जो आपसे संबंधित है, कुछ अंश मैं आपको बताई दे रहा हूं। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति 5 दिन की यात्रा से लौटे थे और वो काफी व्यस्त कार्यक्रम था उनका, और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने पूछा मुझसे कि वर्चुअल उद्घाटन का क्या स्थिति है। तो मैंने लॉर्डशिप से कहा कि लॉर्डशिप स्थिति उसकी भी हो जाएगी, वो भी सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बार का तीव्र इच्छा है बार की तरफ से और उनमें बड़ा उत्साह है जिसमें वो वर्चुअल को स्वीकार तो करेंगे लेकिन आपकी अगर व्यक्तिगत उपस्थिति हो जाएगी सशरीर तो वो और दुगने उत्साह से कार्य में लगेंगे। बार की तीव्र इच्छा को मैंने जिद में बदला, ये मुझे पता है और माननीय प्रशासनिक महोदय के मध्य जो वार्ता हुई उसको ये जानकारी है। मैंने जिद में बदला और मैंने कहा कि वर्चुअल मोड में हो तो जाएगा लेकिन यहां 2018 से कोई भी प्रशासनिक न्यायमूर्ति कार्यक्रम के अधीन नहीं आया है, तो पहली बार क्योंकि लॉर्डशिप आपको आना है इसलिए बार बहुत उत्साहित है और बार चाहती है कि एक बार प्रशासनिक न्यायमूर्ति यहां आए और हमें आशीर्वाद दे दें। माननीय प्रशासनिक महोदय की, प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय की सहजता, सरलता, उदारता, इसका बड़ा हम सभी पर, क्योंकि हम एक परिवार, एक ही परिवार है, बड़े ऋणी हैं कि उन्होंने मुझे और आपको ये अवसर दिया और हमारी जिद के आगे उन्हें हारना पड़ा और वो आए और ना केवल अकेले आए कि फिर मैंने जिद की आगे। जबकि एक राजेश यादव जी से भी कहा कि क्या ये कुछ ऐसा वजन झेल जाएगा क्या कि इसमें कुछ बन सके, तो यहां क्यों नहीं हम चैम्बर बनवा दें ऊपर, यहां भी कुछ बन सकता है, एक हॉल, दो हॉल, तीन हॉल, कितना देखें ये बेट सहन कर लेगा, इंजीनियर से दिखवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ टीन शेड भी ऊपर पड़ जाए जल्दी काम हो जाएगा, कैसे भी हो हमें प्रबंध की जरूरत है फिलहाल टेम्परेरी, जब तक कि हमारे चैम्बर्स बने तब तक के लिए, और नए जो चैम्बर्स के लिए जो गया है प्रपोजल वो जल्दी ही स्वीकृत होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट ने खुद मांगा था, गवर्नमेंट का खुद का प्रपोजल था इस बात पर कि हमें एडवोकेट्स के लिए जो कुछ करना हो उसका हमें प्रपोजल भेज दीजिए, तो उस समय ही हमने कहा था कि इसे तुरंत भिजवा दीजिए। तो
सारी बातें बहुत लंबी हो गई हैं, आप उसको कभी ये मत सोचिए कि आपका हम और वहाँ दूर है, ध्यान यहाँ भी रहता है। सारी परेशानियाँ तभी हैं जब जब हमें खुद याद रहे, आपके बताने पर रहने से कोई फायदा नहीं। आप अपना पूरे मनोयोग से, आज पूरे पॉजिटिव माइंड से एक न्यायालय की जो गरिमा है उसको बनाते हुए और इस चंदौसी के नवसृजित जिले को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए यहाँ अपने जूनियर जो यंग लॉयर्स हैं उनको कुछ बताते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। और यही जिला आगे जाके एक बड़े ऐसी बार के रूप में आए कि हाँ देखो साहब वहाँ का जो एडवोकेट है वो इतना ज्ञानवान है कि आसपास के लोग नहीं है। तो ऐसी मेहनत करें, यहाँ से कुछ एडवोकेट एचजीएस में जाएं, डायरेक्ट एचजीएस में 7 इयर्स पूरा करके। इलाहाबाद में हमने यंग लॉयर्स जितने थे उनको टीच करने के लिए भी टाइम दिया रखा हुआ था वीकली कि हम आपको बताने को तैयार हैं कैसे आपको तैयारी करनी है एचजीएस 7 इयर्स के लिए, तो वो भी तैयार करिए। बहुत स्कोप है यहाँ वकालत का, आप देख रहे हैं हर जगह पर, आप हमें देख लीजिए। जब हम वकालत में आए थे तो क्या क्या साधन थे हमारे पास, कैसे कैसे हमने